मेरा नाम राहुल है, मैं आईसीडीएस संगम पार्क में डिपार्टमेंट रूरल सिटी के अंदर 7 साल से काम कर रहा हूँ। और हम पिछले 38 दिन से इस ट्राइब पे बैठे हैं और हमारी दिल्ली गवर्नमेंट और हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुन रहा है। सर, आप एक युवा हैं, आप यही काम क्यों करना चाहते हैं? हमारी अब कोई ऐसी एज नहीं है कि हम कहीं और डिपार्टमेंट में जाएं। यहाँ पे जितने भी सब सुपरवाइजर्स बैठी हैं सब वेल एक्सपीरियंस हैं, वेल एजुकेटेड हैं। उसके बाद भी हमारे डिपार्टमेंट को उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी। आज पिछले 38 दिन से ये लोग हमारे साथ हैं, सब लोगों के परिवार हैं, पर डिपार्टमेंट हमारे बारे में और गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। राहुल जी, क्या आपको नहीं लगता कि नए वर्करों को या नए युवाओं को या नई जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाए डिपार्टमेंट के अंदर? मैं डिपार्टमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं क्या ये पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या जब ये नौकरी पे आए थे ये युवा नहीं थे जो डिपार्टमेंट ने 30-30 साल 35-35 साल नौकरी करवाई और आज वो ये कहते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है? जब आपका सिलेक्शन हुआ था एक नीचे उस पर लिखा था कि आप अपने आप को कभी भी स्थाई ना समझें, ये बात थी। पर हमारे को ये भी नहीं कहा गया था कि हमें हटाया जाएगा, ऐसा भी नहीं था। और जब दिल्ली गवर्नमेंट बनी थी, दिल्ली गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाएगी। तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट से इन सभी के साथ में ये पूछना चाहता हूँ कि अब दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये ठेकेदारी प्रथा की बात किसने की थी? दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट जब आई थी, दिल्ली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कराया जाएगा। और जो हमारे युवा थे और जो हमारे सब साथ में थे, सबका यही मुद्दा था कि ये जो ठेकेदारी प्रथा इसको ख़त्म कराया जाएगा। राहुल जी, उस समय गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय सिर्फ नेताओं ने वादे किए थे कि अगर हम आए तो हम ये प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर देंगे, ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देंगे। आप बार बार क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम, अब तो गवर्नमेंट को आए हुए 2.5 साल हो चुके हैं, गवर्नमेंट की अभी भी पीछे स्टेटमेंट थी, 15 अगस्त को भी यही स्टेटमेंट थी माननीय केजरीवाल जी की। और मनीष सिसोदिया जी के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो सुन नहीं रहे हैं, 17 दिन उनके घर के बाहर बैठे हैं हम, और आज 38 दिन हो चुके हैं, सब लोग अपने काम छोड़ के बैठे हैं। डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं सुन रहा, ना गवर्नमेंट कुछ सुन रही है।